हर पवेलियन का अलग-अलग व्लॉग बना के दिखाऊंगा। अभी रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि लास्ट 3 डेज रह गए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सपो 2020, यार यहाँ पे इंतहा का रश है हर पवेलियन के बाहर, ये देखें। अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू। अभी हम जा रहे हैं एक्सपो 2020 में, वहाँ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह 10 से 15 पवेलियन तो देखेंगे। अभी इस टाइम टाइम हुआ है 9 बजे जा रहे हैं, 10 बजे वहाँ पहुँचेंगे, तो 10 बजे ही वो ओपन होता है, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी एक्सपो का। तो सी यू सून देयर। एक्सपो 2020 स्टेशन, इट्स मेट्रो स्टेशन। यहाँ से इसने 7 दरहम लिए हैं, 7.80 दरहम कट किए हैं पुरजमान से यहाँ तक। सो अभी हम जा रहे हैं एक्सपो 2020 में, सो वो दिखाते हैं आपको। यहाँ से मैं आपको ना हर पवेलियन का अलग-अलग व्लॉग बना के दिखाऊँगा, क्योंकि हर पवेलियन इतना बड़ा है, उसका एक साथ बनाना वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जो जो मैं दिखूँगा सारे तो नहीं, लेकिन जितने भी हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि लास्ट 3 डेज़ रह गए हैं, सो लास्ट 3 डेज़ में हम देखेंगे अब एक्सपो 2020 का। सो देखते हैं एक्सपो 2020, ये रश आपको दिखाता हूँ। QR कोड ओपन टिकट, भी आगे जाएंगे और QR कोड दिखाएंगे। रश बहुत ज़्यादा है, अभी QR कोड दिखा के एंटर होंगे। अभी हम आ गए हैं एक्सपो 2020 में, फर्स्ट ये एंट्री है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे फ्लैग्स लगे हैं सारी कंट्रीज़ के। ये जी एक्सपो 2020, ये सारे फ्लैग्स लगे हैं। उसके बाद अभी हम जाएंगे इनसाइड, हर एक का जो दिखाऊंगा उसका अलहदा व्लॉग होगा। मुनीब भाई हैं मेरे साथ, ये टूर पार्टनर, सो वी आर गोइंग देयर दिस वे। ये देखें, ये सब के फ्लैग्स लगे हैं। ये जी आप क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे कहते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ पूरी दुनिया के लोग जो से अपने यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह अपने कल्चर के हवाले से आते हैं और अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। तो अब जाके अंदर देखते हैं कि क्या है, और बड़ा सुना है इसके बारे में, और आज खुशकिस्मती है हमारी भी दोनों की। हामिद भाई आप ही 3 दिन लगे हैं क्या? हाँ, लास्ट 3 डेज़ हैं, तो काफ़ी रश है, और अंदर जाके अब देखते हैं कि क्या क्या है। पाकिस्तान का जो पवेलियन है बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, टॉप 10 में, तो अब जाके देखते हैं, इंशाल्लाह बताते हैं आपको अंदर जाके। ओके गाइस, इधर जो है ये मैप है, मैप लगे हुए हैं और फ्लैग, ये मैप देखते हैं। 192 कंट्रीज़ के मैप हैं, ये मैप मैं आपको शो करवाता हूँ। हमने जाना क्या है अभी कुछ नहीं पता, ये देखें ये है मैप। ये आगे हमने कहाँ जाना है अभी कुछ नहीं पता, मेन हॉल ये है, इधर अभी हम जा रहे हैं, सब इधर ही एंटर हो रहे हैं, उसके बाद आगे जो भी है वो दिखाते हैं। ये है स्टार्टिंग पॉइंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक्सपो 2020। आज इधर लगता है कुछ शो वगैरह है, ये देखो मेन एंट्रेंस के साथ ही आता है। यहाँ आई थिंक कुछ शो होने लगा है आज, अभी मैं बताऊँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अभी देख रहे हैं हमने जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है, कोई आइडिया नहीं है अभी। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जर्नी 2020 एक्सपो का। फर्स्ट पवेलियन में आपको दिखाऊँगा वो है सऊदी अरेबिया का, सो वी आर गोइंग देयर। तो आपको दिखाता हूँ सऊदी अरेबिया का पवेलियन,
सो लेट्स गो देयर। ये जी स्टार्ट है सऊदी अरेबिया का पवेलियन। फर्स्ट मैं आपको फर्स्ट पवेलियन ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो होगा सेकंड वो दिखाऊंगा। ये लाइन देखें, यार यहाँ पे इंतहा का रश है हर पवेलियन के बाहर। ये देखें लाइन पीछे और ये आगे, फुल रश। जी हनी भाई, आर यू एंजॉइंग? यस। अभी हम जा रहे हैं, क्यू में लगे हैं सऊदी पवेलियन में। क्यू ओपन हो गई है और ये इन्होंने बड़ा एक फनी सा मोमेंट रखा हुआ है स्टार्टिंग में। पानी चलता है, बंद होता है, इससे पानी से बच के निकलना है, गीले नहीं होना। ये देखें जी पानी बंद हो गया है, ये ओपन हो गया। ये है जी फर्स्ट हम एंटर होने लगे हैं सऊदी अरेबिया पवेलियन में। ये है पहला एंट्री का, इनका स्क्रीन लगी हुई है। यार सीरियसली इट्स सो ब्यूटीफुल। ये सऊदी का कल्चर ये देखें आप। सऊदी अरेबिया पवेलियन, ये वाइट किया हुआ है, फुल वाइट होके सब कुछ नजर आए। ये देखें और लोगों के लिए इन्होंने लिफ्ट भी लगाई हुई है, ब्यूटीफुल। ये देखें जी स्क्रीन, वेरी ब्यूटीफुल। हर चीज़ इन्होंने इधर स्क्रीन में दिखाई हुई है। एक इधर स्क्रीन है और एक इधर है। अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये वाइट फ्रेम इसलिए रखा है हर चीज़ नज़र आए। इट्स वंडरफुल, लुक एट दिस ऑन माई बैक साइड। ये स्क्रीन चल रही है। Thank you.
powerful team. वाइट स्क्रीन रखी है, हर चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। देखें मून थीम। अभी हम जा रहे हैं आगे नेक्स्ट पे, वो आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत था। ये भी ये था गाइस सऊदी अरेबियन पवेलियन। अभी हम ये आ गए हैं सऊदी अरेबियन पवेलियन से बाहर। अब जो नेक्स्ट है वहाँ से आपको स्टार्ट करता हूँ कि नेक्स्ट कौन सा है, तो फिर आपको ले चलते हैं वहाँ पे।